videos, subscribe and like. शाहजहाँपुर के समस्त कृषक भाइयों से, प्रधानों से, एफपीओ के सदस्यों से, समाज सेवी संगठनों से और जो भी कृषि कार्य से जुड़े तमाम हमारे भाई लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि पराली का जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। क्योंकि आपने हाल में ये देखा होगा कि हमारे यहाँ 53 घटनाएँ हुई हैं पूरे प्रदेश में, जो कि सर्वाधिक हैं प्रदेश में। 80 घटनाओं में 53 घटनाएँ सिर्फ हमारे यहाँ पुआया क्षेत्र में हुई। आप सभी से अनुरोध है कि पराली कृपया न जलाएं, ये एक दांडिक अपराध है, उसके साथ साथ सामाजिक अपराध भी है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में श्वसन रोग फैलता है और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचने से सामाजिक क्षति भी होती है। तो पराली न जलाएं, डीकम्पोस्टर हम लोग बंटवा रहे हैं, इसके अलावा गड्ढे खोद के उसमें डालें, पराली को निकटतम गौशालाओं में दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है डीकम्पोस्ट करने का प्रयास करें। और जीरो टॉलरेंस पे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, सभी पुलिस से लेकर हमारे तहसील कर्मी, राजस्व कर्मी, पंचायत कर्मी, सभी विभाग के लोगों, कृषि विभाग के लोगों लगाया गया है कि इसको रोका जाए, एजुकेट किया जाए। कल भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था गांधी भवन में, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर पर भी हम गोष्ठियाँ कर रहे हैं। और आप सभी से पुनः अनुरोध है, पराली न जलाएँ, न जलाने दें, सबसे शपथ पत्र लें, गाँव मीटिंगें करें, जन जागरूकता का कार्यक्रम करें। अतः अनुरोध है, पराली के मामले में अत्यंत संवेदनशीलता बरतें और जो भी तरीके मेथड वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं उनको अपनाकर उसका वैज्ञानिक रूप से समाधान